बच्चों, मैं आपका धर्म सर, आप सभी लोगों को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, टाइम और वर्क एंड टाइम, या टाइम एंड वर्क कुछ भी कह सकते हैं, कार्य समय, समय एवं कार्य का जो क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। और क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कहने का मतलब बहुत थोड़ा सा कठिन नहीं है, लेकिन मिक्सअप क्वेश्चंस है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा, वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है और ये आपके एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी तरह की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत लाभप्रद होगा, लाभदायक होगा। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 15 दिन में, बी और सी एक साथ 20 दिन में, सी और ए एक साथ उसे 12 दिन में कर सकते हैं, पूरा करते हैं। अगर ए बी एक साथ को करते हैं तो 15 दिन लगता है, बी और सी करते हैं तो 20 दिन लग जाता है, सी और ए मिलकर उसे करते हैं तो 12 दिन लग जाते हैं। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितना दिन लगेगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ए और बी उसको पूरा करते हैं 15 दिन में। यहाँ पर ए और बी मिलकर कर रहे हैं, बी और सी इसको कर रहे हैं तो 20 दिन लग रहा है, और अगर सी और ए करते हैं तो 12 दिन लग रहा है। तो ये तीनों का अलग अलग का टाइम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले ए और बी कितने दिन में पूरा करते हैं, तो उनका एक दिन का काम निकालते हैं। तो जैसे कि इससे पहले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, तो जब टोटल दिन दिया गया होता है तो एक दिन के लिए उसका 1/2 कर दो तो 1 दिन का काम हो जाता है। तो हम यहाँ बहुत शॉर्ट में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो ए तथा बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य और ये बराबर हो जाएगा कितना, 1/15 हो जाएगा, 1/15 भाग बी तथा सी द्वारा इसी तरह हो जाएगा, किया गया काम बराबर 1/20 भाग, और सी तथा ए द्वारा किया गया कार्य 1/12 भाग हो गया। ठीक है, अब ए और बी मतलब ए प्लस बी द्वारा कह सकते हैं, यहां इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी यहां भी लिख सकते हैं, बी प्लस सी द्वारा, और ये हो गया इस तरह से। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य कितना, कार्य तीनों मिलकर करेंगे तो ये बराबर होगा 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/12। ठीक है, और इसको हम जोड़ेंगे तो ए बी सी दो बार है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, इसका एलसीएम ले लो तो इसका एलसीएम आएगा 15, 12 और 20 का एलसीएम होता है 120, 8, 6 और 10, तो 14, 10, 24 हो जाएगा, 24/120 हो गया। तो ये 2 ABC है, तो 2 यहाँ कॉमन ले लो, तो A प्लस बी प्लस सी द्वारा ये 2A प्लस बी इतना हो गया, तो A प्लस बी प्लस सी द्वारा किया गया कार्य एक दिन का कार्य ये बराबर हो जाएगा 24/120 × 2, क्योंकि ये 2 इधर आके कट जाता है, और ये बराबर हो गया 12, और 12 से ये कट जाएगा 10, तो 1/10 भाग। ठीक है, तो तीनों मिलकर उसको पूरा करेंगे बराबर ये 1/1 × 10, ये उलट जाता है, और बराबर हो गया 10 दिन लग जाएगा, मतलब अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो 10 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे।
ये तो था थोड़ा लांग विधि, और इसको हम 60 तरीके से निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए 60 तरीका, ये तो पहली विधि थी, फर्स्ट मेथड। यहाँ पर सेकंड मेथड है, इसको हम कैसे करते हैं? इसके लिए दो फार्मूला है कि 2ABC है ना, तो 2 A × B × C बटे में AB + BC + AC, ये वाला फार्मूला आप लगा लो। और इसको सॉल्व कर लो, दो ए बी मतलब ए और बी मिलकर काम करते हैं 15 दिन में, तो 2 × 15 × 20 × 12 बटे 15 × 20 + 20 × 12 + 12 × 15, और ये बराबर बन जाएगा 30 × 240, और ये हो जाएगा 300 + 240 + 180, और ये बनेगा 2472, और ये 325, तो इसका जोड़ आ जाएगा 720, ठीक है। और अगर हम इसको काटते हैं तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो ये 10 दिन आ गया। तो ये 60 तरीका है, और इस तरीके से हम इस सवाल को बहुत आसानी से कम समय में कर सकते हैं। तो हमें इस विधि का उपयोग करना है, तो ये ध्यान रखना है कि ये पहला टाइम गुणे दूसरा टाइम गुणे तीसरा टाइम और गुणे दो बटे में इतना गुणे इतना प्लस इतना गुणे इतना प्लस इतना गुणे इतना को सॉल्व करना है, और ये तीनों मतलब जो अगर तीनों के द्वारा मिलकर के काम कितने दिन में लगेगा, कितने घंटे में होगा, वो निकल जाएगा। चलिए अगले वीडियो को देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन देखें कि ए तथा बी साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है, तो ए उसे अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब यहाँ पर ए और बी का काम दिया गया है, और वो ए बी मिलकर अगर काम करते हैं तो उनको 10 दिन लग जाते हैं, और बी अकेला उसे करता है तो उसे 30 दिन लग जाते हैं। तो ए को अकेला करने में कितना दिन लगेगा, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले कि आपको बहुत एक छोटा तरीका अपनाना है। छोटा तरीका अपनाने के लिए यहाँ दिन है तो डी बराबर है, सिंपल सा डी बराबर, डी मतलब दोनों के दिन काम करने का दिन है, तो डी बराबर है 10 दिन, और डी वन बराबर है, डी वन जो अकेला बी करता है उसे 30 दिन मान लो। तो हमेशा इसका डिफरेंस निकाल करके और उसे इनके गुणनफल को मल्टीप्लाई कर देना है, तो बी ए अकेला पूरा करेगा कितने दिन में, इसके लिए फार्मूला होगा D × D1 / D − D1, ठीक है। और D आपका है 10 × 30 / यहां पर 3 का अंतर, तो अंतर मतलब यहाँ पर आ जाएगा D1 − D हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर, और ये हो जाएगा 30 − 10, तो ये हो गया 10 × 30 / 20, 10 × 20 और 30 / 2 बराबर हो गया 15, तो 15 दिन में इस काम को अकेला वो कर सकता है। कौन कर सकता है? ए। तो
15 दिन में उसको अकेला ये पूरा कर लेगा, ठीक है। दोनों मिलके करते हैं तो 10 दिन लगता है, बी को अकेला 30 दिन लगता है, तो ए को अकेला केवल 15 दिन लगेगा। आइए इस क्वेश्चन को देखें कि मोहन तथा सोहन मिलकर किसी काम को 15 दिन घंटे में पूरा करते हैं। यहाँ 15 घंटे का टाइम लग रहा है, और जबकि मोहन अकेला उसे 20 घंटे में पूरा कर लेता है, तो सोहन अकेला उसे कितने में करेगा। तो यहाँ पर T1 जो है इसका T1 कितना है, T बराबर है 15 घंटे, और T1 बराबर है 20 घंटे। मतलब जो दोनों मिलके करते हैं उसमें 15 घंटे लगते हैं, अकेला अगर मोहन करता है तो उसे 20 घंटे लगते हैं, तो सोहन अकेला उसे कितनी देर में करेगा। तो सोहन अकेला उसे कितनी देर में करेगा, तो सोहन सोहन द्वारा काम पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय समय क्या है, यही फार्मूला आप लाद देना है आपका, T into T1 upon T1 minus T, और ये आपका है 15 × 20/20 − 15। हमेशा बड़े में से छोटी संख्या को घटाना है, और यहाँ पर हो जाएगा 15 × 20/5, 5 × 3 = 15 × 20 = 60, और 60 घंटा यहाँ लग जाएगा। 60 घंटे में वो अकेला इसको पूरा कर सकता है। तो मतलब अगर एक मोहन उसे 20 घंटे में अकेला पूरा कर रहा है, तो सोहन अकेला उसे 60 घंटे में पूरा करेगा, क्योंकि 15 × 20 और इनका अंतर, तो 20 × 15 = 5, 5 × 3 = 20 × 30 = 60 घंटे आ गए। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अधिक करना, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।